आजादी को आजादी में और आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी, कल्याण मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत पटेल यात्रा क्या खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो। किसान नौजवान पटेल यात्रा का आज यहां समापन सरदार पटेल की जयंती पर है। किसानों की बदहाली को लेकर, नौजवानों की परेशानी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा 2 महीने से भी ज़्यादा ऊपर से चल रही है। पूरे प्रदेश का किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की फसलों का मूल्य नहीं दिया और वो लागत से भी कम मूल्य पर बेच रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों को हम लागत से डोढ़ा देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, आय दुगुना करेंगे। आज महंगाई इतनी बढ़ा दिया है कि जिससे किसान की लागत बहुत बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लागत मूल्य, जो समर्थन मूल्य तय करती है, वो भी किसानों को नहीं दे रही है। आज पूरे देश के किसान एक साल से जाड़ा गर्मी बरसात को झेलते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि हमको MSP की गारंटी दे दो। जो आप हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हो, जो हमको MSP देते हो, वो हम सारे किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत बयानी से, झूठी बातों से आज पूरे प्रदेश में अर्थव्यवस्था भी चौपट है और हर आदमी की आर्थिक स्थिति भी चौपट हो गई है। ये देश तबाह हो रहा है। आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की केवल पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने के लिए है और गरीब आदमी को और गरीब बनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। मैं 63 दिन में लगभग 125 विधानसभाओं पर गया हूँ। जिस तरीके से किसानों का आशीर्वाद मिला है, नौजवानों का सहयोग मिला है और मीडिया के भाइयों का भी सहयोग मिला है, और ये किसान यात्रा को जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है, उससे आगे आने वाला 2022 का समय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में इस उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। पार्टी सक्षम है, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सक्षम है। जनता श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। जनता का आशीर्वाद, किसानों का आशीर्वाद इस किसान पटेल यात्रा के माध्यम से मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। उन्हीं से पूछ लीजिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मानेगा, समाजवादी पार्टी की नीतियां मानेगा, समाजवादी पार्टी के नेता को नेता मानेगा, उस हर छोटे दल का हमारी तरफ से स्वागत है। राजभर जी ने अभी 27 तारीख को जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया, उसका हम स्वागत करते हैं। ये आप लोग जानो, ज्यादा आप ही लोग उन्हीं के नजदीक रहते हो। हम किसानों के बीच में हैं, उनकी परेशानी को लेकर, नौजवानों की परेशानी को लेकर, इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम जनता के बीच में हैं। आप सबसे बढ़िया समीक्षा कर सकते हो। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया। हमारे मीडिया के भाई जब सच का आईना दिखा देते हैं, तो हमारे मीडिया के लोगों को भी पूरी तरीके से दमन किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर तमाम छापे डाले जाते हैं। अगर हमारे देश का मीडिया दब गया, हमारे देश के मीडिया को खत्म कर दिया गया, तो हमारा लोकतंत्र बचेगा नहीं। पहले तो हम आदरणीय पटेल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर आज हिंदुस्तान जो अखंड भारत है, हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जहाँ उपस्थित है, उनका भाषण चल रहा है। निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से और इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों को संदेश देने का काम किया है कि हम लोगों की पार्टी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पैसी रही है और किसान के हित में तमाम योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चलाई हैं। चाहे किसानों को घटना बीमा की बात रही हो, चाहे समय पर DAP और यूरिया की उपलब्धता की बात रही हो, आज आप देख रहे हैं लगातार DAP और यूरिया की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। लगातार सोसाइटी में आप देख लीजिए, भीड़ बनी पड़ी है। आज किसान
दिवस भी हम कह सकते हैं किसानों के हित में बिल्कुल सरकार नहीं है। किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और उस षड्यंत्र का नतीजा है कि आज महंगाई इतनी चरम पर है कि किसान किसानी करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, अपने जीवन यापन भर अपने साल भर खाने के लिए भी उपज नहीं पैदा कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण महंगाई है। ये किसानों के हित की सरकार बिल्कुल नहीं है। अगर किसानों का हित कहीं नहीं है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद है, और निश्चित रूप से जब तक सरकार समाजवादी पार्टी में बनी है किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं लाई।